फ्रेंड्स, मैं हूं देवेंद्र पर और आप देख रहे हैं प्रो लाइफ। फ्रेंड्स, आज बात करेंगे एंटॉक्सिड कैप्सूल के बारे में, जानेंगे उसका यूज के बारे में देखेंगे और उसका डोजेस के बारे में देखेंगे और उसका बेनिफिट क्या होता है उसके बारे में भी आज इस वीडियो में हम देखेंगे और लास्ट में साइड इफेक्ट के बारे में देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल बटन को भी दबा दीजिए ताकि ऐसे ही मेडिसिन से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर समय समय पर मिल सके। तो फ्रेंड्स, एंटॉक्सिड कैप्सूल ये डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरीज का बनाया हुआ एक प्रोडक्ट है और ये आपको मार्केट में 300 रुपया 30 सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल आपको मिलेगा और इसका एंटॉक्सिड पी आता है, एंटॉक्सिड एच सी आता है, सबका डिफरेंट वर्क होता है लेकिन एंटॉक्सिड और एंटॉक्सिड एच सी ये दोनों कुछ सिमिलर है। तो आज इस वीडियो में हम एंटॉक्सिड के बारे में देखेंगे। तो एंटॉक्सिड की जो मेन कंपोनेंट्स है, इसमें बीटा कैरोटीन है और कॉपर है, मैंगनीज है, सेलेनियम एंड जिंक सल्फेट इसके अंदर में पाया जाता है। तो ये बेसिकली ये एक एंटीऑक्सीडेंट कैप्सूल है और इसके अंदर में जो पाया जाता है, जो भी इंग्रेडिएंट है, यानी इसमें जो भी सप्लीमेंट की तरह आपको मिलता है, उस सप्लीमेंट के बारे में देखा जाए तो इसमें जो बीटा कैरोटीन है, ये प्रो विटामिन ऑफ विटामिन ए, क्योंकि आपको आपके ज़्यादातर जो विजन क्लियर करने के लिए, आपकी आँखों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद देता है ये, और ये आपके स्किन के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद देता है और साथ ही साथ आपके जो स्किन की लेयर होता है, जो एपिथेलियम सेल होता है, उसको भी ये प्रोटेक्ट करके रखता है। ये जो बीटा कैरोटीन है, इसके अंदर ये सारे गुण पाया जाता है और जो बीटा कैरोटीन है, ये हार्मफुल केमिकल जो हमारे शरीर के अंदर बनता है और जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है उसको भी ये रिलीज करता है और इसको भी ये फ्री करता है। हार्मफुल केमिकल की वजह से जो हमारे शरीर में जो सेल की डैमेज हो जाता है और जो नर्व की भी डैमेज होता है, तो ये बीटा कैरोटीन उससे भी हमको बचाता है। और इसमें जो कॉपर पाया जाता है, ब्लड वेसल्स को प्रॉपर बनाने के साथ साथ आपके नर्व को इम्प्रूव करता है और आपके इम्यूनिटी सिस्टम को भी इम्प्रूव करता है और आपके बोन को भी हेल्दी बनाता है। और इसमें जो मैंगनीज पाया जाता है, मैंगनीज हमारे शरीर में जो हेल्प करता है, जैसे कि आपके कनेक्टिव टिश्यू को बना के रखने में हेल्प करता है और ये आपके इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए भी वर्क करता है। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर को भी ये प्रॉपर बना के रखता है, उसके साथ साथ आपके सेक्स हार्मोन का भी बैलेंस रखने में ये मैंगनीज मदद करता है। इसमें जो सेलेनियम पाया जाता है, सेलेनियम ज़्यादातर आपके डीएनए बनाने के लिए सेलेनियम का बहुत ही ज़्यादा भूमिका है, तो ये सेलेनियम का वर्क डीएनए बनाता है और उसके साथ साथ ये आपके सेल डैमेज को प्रोटेक्ट करता है, इन्फेक्शन से आपको बचाता है। और इसमें जो जिंक सल्फेट पाया जाता है, ये आपके इम्यूनिटी सिस्टम को इम्प्रूव करने के साथ साथ आपके बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म होता है, मेटाबॉलिज्म को बैलेंस करके रखता है। और ये सारे मिनरल्स इसके अंदर पाया जाता है जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह आपके शरीर में वर्क करता है। और फ्रेंड्स, उसका यूज के बारे में देखा जाए तो एंटॉक्सिड कैप्सूल ये एक न्यूट्रिशनल बेनिफिट हमको देता है, जो कि जिसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है और ये हमारे जो हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, उससे हमको बचाता है और उसके साथ साथ हमारे स्किन को भी ग्लोइंग बनाता है और स्किन की हेल्थ को प्रॉपर बनाने के साथ साथ सेल डैमेज को भी प्रोटेक्ट करता है। और इसमें जो मिनरल पाया जाता है, ये आपके ब्लड फ्लो को प्रॉपर बनाने के साथ साथ आपके हेल्दी नर्व मेंटेन रखने के लिए भी ये अच्छा फायदेमंद साबित हो सकता है, ये एंटॉक्सिड कैप्सूल। अब फ्रेंड्स, देखते हैं इसका डोजेस के बारे में। अगर देखा जाए ये इसका डोजेस आप दिन में एक गोली खाना खाने के बाद किसी भी टाइम ले सकते हैं। और उसका साइड इफेक्ट के बारे में देखा जाए, साइड इफेक्ट में आपको कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकता है, जैसे कि आपकी हेडेक हो सकता है, नोजिया हो सकता है और कभी कभार ब्लर्ड विजन भी हो सकता है और डिजीनेस, डायरिया और फ्लैटुरेंस, एब्डोमिनल पेन, स्किन रॉस या फटिगो टाइप का आपको हो सकता है। तो ये कुछ कॉमन साइड इफेक्ट अगर आप एंटॉक्सिड कैप्सूल लेते हैं तो आपको देखने को मिल सकता है।
तो फ्रेंड्स ये था एंटोक्सिड कैप्सूल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा या आपको एंटोक्सिड कैप्सूल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जरूर मिला होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ आपके दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और ऐसे ही हेल्थ से रिलेटेड या मेडिसिन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल बटन को भी दबा दीजिए ताकि ऐसे ही हेल्थ से रिलेटेड या मेडिसिन से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा मिल सके। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और प्रोलाइफ देखते रहिए। धन्यवाद।